बस की ओर गाइस, ये देखिए सब सब एक दौड़ चल रही है बस की ओर। अब चलते हैं बस में, को बाय बाय करते हैं। अब ये बस हमारी तैयार, अब चलने लगी थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू मिसनी ब्लॉगर। गाइस कहते हैं सारे तो स्वागत है हमारे एक नेक्स्ट एपिसोड में। गाइस तो अभी जैसे आज है गाइस 27 तारीख, और तुम्हें सबको पता है मैंने पहले बताया था अपने ब्लॉग में कि 27 तारीख में पूर्णागिरी का ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है। आज हम शाम को जाएंगे गाइस, तो तैयारी हो चुकी है शुरू। सब अपने अपने घर तैयारी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं तैयारी। गाइस तुम्हें दिखाता हूँ हमने क्या क्या तैयारी हो चुकी है। चलते हैं घर में, और ये देखिए हमने ये सारे कपड़े उपड़े ये रख लिए हैं। इधर हमारा बैट लेकर जाएंगे गाइस, खेलेंगे इससे भी। कपड़े उपड़े हमने सब ये रख लिए, इधर तैयारी चल रही है फुल। गाइस अब इंतजाम करते हैं एक पावर बैंक का और देखते हैं क्या करना है, क्योंकि फ़ोन डाउन हो गया था पिछली बार। जैसे ही तुम्हें बताया जब मैं नैनीताल वाले ब्लॉग में गया था तो मेरा फ़ोन बीच में से डाउन हो गया था। अब तो वैसे भी 3 दिन के लिए जाना है, वैसे तो चार्जिंग पॉइंट मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर भी गाइस पता नहीं होता। बस में चलते रहते हैं तो अभी एक पावर बैंक का बंदोबस्त करेंगे, लेके आएंगे एक भैया से, और उसके बाद चलते गाइस आगे, करते हैं तैयारी। देखते रहिए ब्लॉग गाइस। तो गाइस मैं आ जाओ बाहर है, और देखिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ जोरों शोरों से चल रही है बिल्कुल तैयारी। ये देखिए ये सब जाने वाले हैं इधर, ये जितने भी खड़े हैं ना सब ये जाने। अजय भाई, ये सुधीर भाई, कोमल भाई, ये अमित भाई, ये सब जाने वाले हैं गाइस। सब तैयारी करने में लगे पड़े हैं, और बाकी सब अपने घर। अब सबको तो नहीं दिखा सकता, मैं नहीं दिखा सकता हूँ। देखिए बिल्कुल तैयारी है गाइस, बिल्कुल चलते गाइस, करते हैं तैयारी, मिलते हैं थोड़ी देर में। आज आए थे मार्केट और थोड़ा देर सामान शॉपिंग वोपिंग करिए, ये लिए हैं एक दो कपड़े और ये बात हमने पैक कर दिए हैं गाइस। देख लूँ मिलेंगे थोड़ी देर में, जल्दी जल्दी आए थे गाइस, बहुत भीड़ हो रही इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाए। और अभी ले लिए हैं, घर चल के तुम्हें दिखाते हैं, तैयारी वारी करते हैं, फुल पैक करते हैं, तो टाइम बीतता जा रहा है और मिलते हैं गाइस थोड़ी देर के बाद। मैं अपने कपड़े तो ले आया था, अभी मिले हैं बीच में दीपक भाई, और दीपक भाई कह रहे हैं कि मैं भी चलता हूँ कपड़े, उन्होंने भी दिखाते हैं एक आधा लोग, और चलते हैं गाइस बाजार द्वार से। मैं तो जाते हुए दिखा नहीं पाया था अपने आपको, क्योंकि मैं कहीं और गया था, फिर वहाँ से वहाँ गया था। चलते हैं गाइस दिखाते कपड़े। मार्केट देखो कितनी भीड़ चल रही है इस टाइम, बहुत भीड़। आज बाजार का दिन है गाइस, ये देखो भीड़ बहुत है। जुमरात का बाजार है आज, जुमरात का बाजार है हमारे यहाँ, और बस पहुंचने वाले गाइस 2 मिनट में। तो गाइस अभी चल रहे हैं बाहर है, और मैं जा रहा हूँ सुनोज भाई से बैग बदलने, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा बैग, मैं गाइस सो गया था और सो के उठाऊँगा। अब मेरी आँख खुली, 3 बज चुके हैं मैंने, अब जल्दी जल्दी तैयारी करो, बदलते हैं गाइस बैग अभी। सुनोज की दुकान पर ये देखिए नेस्ती इंसान सो रहे हैं भाई साहब, बस मुँह पर हाथ रखने कोई बात नहीं गाइस, सो रहे हैं, बदलते हैं बैग। जो मेरा जो बैग है ना छोटा है गाइस, छोटा ये ना, ये काफी बड़ा बैग है। ठीक है गाइस चलते हैं घर और करते हैं बैग में सामान। तो लिया बैग, अब ये देखिए बैग ले लिया गाइस, थोड़ा बड़ा बैग है, अब चलते हैं घर जल्दी जल्दी, सामान पैक करते हैं, अब चलते हैं। सामान की तैयारी हो चुकी है बिल्कुल, ये रहा सारा सामान रख लिया है, जो बनेगा खाना वाना परचून का सामान अंदर रखा है, और सारा सामान ये रहा गाइस, फुल तैयारी हो चुकी है। बस थोड़ी देर में बस आएगी, सामान वामान रखेंगे, फिर धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा होना चालू करेंगे मंदिर पर, मंदिर पर इकट्ठा होते ही फिर चलेंगे बस। आज दिन से बारिश नहीं पड़ी, और आज हमारे जाने के टाइम पे देखो बारिश पड़ ली, अब देखते हैं क्या होता है, थोड़े लेट तो हो गई वैसे, अभी टाइम हमारा हुआ नहीं, अभी 1.5 घंटा है जाने में, अभी थोड़ी देर में आती है बस गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, क्या होता है बने रहिए ब्लॉग पर। मौसम खराब, बारिश आ चुकी है, बारिश पड़ ली गाइस, अभी बूंदाबांदी हुई थी, बंद हो गई है उस टाइम, रात हो चुकी है, रात थोड़ी देर में बस आने वाली थी, हो गई बारिश चुकी है। लाइट जल्दी जल्दी ये प्रेस मैंने लगा दी है, और ये रखा कपड़े, जल्दी जल्दी करते हैं गाइस प्रेस, फाते हैं गाते टी शर्ट, ये रही जल्दी करते हैं प्रेस। तो गाइस मिलता है अभी थोड़ी देर में, मैं जल्दी जल्दी करता हूँ प्रेस गाइस, बहुत देर हो रही है अभी, तुम्हें तो पता टाइम हो चुका है, टाइम हो चुका है इस टाइम, पूरे 7:30 बज रहे हैं, और लाइट आई है अभी अभी, जस्ट प्रेस करके जल्दी जल्दी करता हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने करी, घर वाले बहुत समझाए थे प्रेस कर ले, मैंने करी नहीं, करते गाइस प्रेस, और मिलते गाइस अभी थोड़ी देर में। थोड़ा मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अंधेरा हो रखा, लाइट नहीं आ रही पूरे सिवारे में, और हमारी आ चुकी है बस, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये रही हमारी बस गाइस, बस आ चुकी है, अब देखते हैं अंदर क्या होता है, मैं चलता हूँ अंदर। क्वालिटी थोड़ी ऐसा रहा है, जैसे कि मान लो ये वीवो का फ़ोन है मेरे पास जो फ़ोन है वो है वीवो V90, आप फ्लिपकार्ट पर डाल के देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में डिटेल। तो गाइस मेरे पास जो फ़ोन है वो है वीवो V90, इसकी थोड़ी जो रात की वीडियो क्वालिटी वो कम है, क्योंकि सामने फ्लैश भी कुछ है नहीं, अब अंधेरा हो, मैं बहुत देर से वो बनाता आपके लिए ब्लॉग, मैं बना नहीं पाया, तो अब कर रहा था उसमें प्रेस करने के बाद अब आया हूँ डायरेक्ट बस में, देखने की बस में कोई आया या कुछ नहीं आया, वो मैं देखने आया तो बस तो आ चुकी है। अब देखो सबको फ़ोन कराया, सब आ रहे हैं धीरे धीरे करके, मंदिर पर इकट्ठे होंगे, मंदिर पे से जयकारा लगा के सब हाथ जोड़ के फिर
फिर आएंगे बस में, फिर बस निकलेगी गाइस। तो बने रहिए आज इसी ब्लॉग पर, चलते हैं बाहर, करते हैं सबको इन्फॉर्म कि भैया आ जाओ, बस आ चुकी है क्योंकि लेट हो रहा गाइस बहुत, क्योंकि बारिश गाइस दो बार बारिश पड़ चुकी है थोड़ी थोड़ी करके, तो बुलाते जल्दी जल्दी चलते हैं फिर। आप आइए देखो गाइस लाइट लाइट आपने सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट किया मैंने, बस पूरी तैयार हो चुकी गाइस, हमने भी बैग वैग रख दिया है, सूरज भाई लेके जा रहे हैं स्टूल और बैनर और एक नारियल, अब जाएंगे नारियल फोड़ेंगे अभी थोड़ी देर में गाइस, अभी पहले बैनर बैनर बांधते हैं, करते हैं पूरी बस की तैयारी। ये देखिए गाइस तैयार हो चुकी है हमारी फ्लेक्सी, इधर ये रही हमारी फ्लेक्सी लगी है, और ये सामान वामान भी सब पैक कर दिया डिक्की में जाने के लिए तैयार, जितने भाई लोग खड़े इधर ये सब जाने के लिए तैयार गाइस, इधर सब जाने के लिए तैयार गाइस। इस टाइम है मंदिर परिसर में, आपको दिखाता हूँ मैं, ये गाइस सभी तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, ये देखिए ये धीरे धीरे ये सभी सब लोग जाने वाले हैं, कोई भी होगा एक हद तक जो नहीं जाएगा, ऊपर बजाया है अपने हरीश भाई जो है ये पूजा कर रहे हैं, यहाँ सब आएंगे और हाथ जोड़ेंगे यहाँ सारे मंदिरों में पूजा करेंगे एक बार और फिर चलेंगे मंदिर। मैं सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग बस थोड़ी देर के बाद जब स्टार्ट हो जाए, वो बस स्टार्ट हो जाएगी जब तक रखेंगे, उसके बाद ब्लॉग बंद कर देंगे, क्योंकि गाइस ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है ना तो लोग कहते हैं भैया इतना लंबा ब्लॉग मत डाले करो, क्यों अभी इतने लोग ब्लॉग देखते भी नहीं, छोटा ब्लॉग रहेगा तो जल्दी जल्दी देखेंगे गाइस। तो आप बताएं मैं अपने ब्लॉग की ड्यूरेशन कितनी रखूँ, अपनी ड्यूरेशन कितनी रखूँ आप मुझे बताएं, 10 मिनट या 15 मिनट गाइस, इतनी लंबी तो ड्यूरेशन होनी चाहिए क्योंकि गाइस पूरे दिन का शूट रहता है, कम करते करते भी गाइस इतना लंबा शूट हो जाता है, तो आप बताएं आप जितने बोलेंगे मैं उतने रखूँ। तो आइए मिलवाते हैं तुम्हें इधर भगवान जी से और करते हैं उनकी आरती, ये सब आरती करने के लिए तैयार चीज़ और अभी तो ये, और अभी हमारे ढोल वाले आ चुके हैं, दिखाता हूँ तुम्हें ढोल वाले गाइस, मैं टॉर्च जला देता हूँ, ये आ गए हमारे ढोल वाले भाई और इधर ये सब लोग, और थोड़ी देर में चलेंगे आगे ये बस की ओर गाइस, ये देखिए सब एक दौर चल दिए बस की ओर, अब चलते हैं बस में जल्दी जल्दी, ये सब तैयार बस की ओर। बस की पूजा कर रहे हैं, सुबह लिया है स्ट्रिंग, रात के 2 बजे स्ट्रिंग, देख रहे हैं अब चाय पीते हैं और चलते हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि सुबह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, ब्लॉग गाइस लंबे हो जाएगा, कल का ब्लॉग कल आएगा क्योंकि अब कुछ नहीं करना, सब लोग सो रहे हैं, बस थोड़ी देर में सो जाएंगे, सुबह आँख खुलेगी गाइस तो मिलते हैं सुबह कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।